आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में डी को पार्टी करते हुए देखा होगा बट टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल में डी यू कैसा है इज इट रियली वर्दी टू जॉइन बेसिकली हाउ इज द लाइफ एट डी एन एल यू सो हेलो एवरी वन माई नेम इज़ माधव सोनी ए के एम बेरिस्टर आई एम अ फिफ्थ ईयर स्टूडेंट एट डी एन यू जीपर सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो सो सबसे पहला पॉइंट हाउ इज द कल्चर सो so, किसी भी आप एन को ज्वाइन करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा एन कल्चर मिलेगा एनवायरमेंट अलग होता है यहाँ का जो कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस में नहीं मिलता है या किसी लोकल स्टेट इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता है सो so, जब डी एन हुआ था स्टार्टिंग के दो साल में यहाँ पे एन कल्चर के नाम पर भाई सब कुछ भी नहीं था बट अभी कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं स्पेसिफिकली लास्ट एक दो साल से बहुत अच्छा ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया यहाँ पर जो कि हाँ एन से हम कंपेयर कर सकते हैं उसे मैच कर रहा है इवन लास्ट एक साल में डी ने बहुत ग्रोथ देखी है बहुत सारे इवेंट्स कराए हुए हैं हमने जो कि हाँ हम कह सकते हैं कि अब ये नेशनल और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है सो so, काफ़ी अच्छा कल्चर बिल्ट हो गया है और अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो सी बात है अब आपको बहुत अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा जो कि शायद हमें उतना ज़्यादा हमारे अर्ली डेज़ में देखने को नहीं मिला था सो सेकेंड पॉइंट एकेडमिक्स कैसा है यहाँ पे हाँ ये चीज़ मेरे वीडियोस में बहुत लेक करती थी क्योंकि मेरी वीडियोस जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती थी तो उसमें पढ़ाई वाला पार्ट है ना कवर नहीं हो पाता था यूजली लोग कंप्लेन करते थे कि भाई तो मैं कॉलेज में से पार्टियाँ ही पार्टियाँ होते रहती है कभी पढ़ाई का भी दिखा दी करूँ अगर मैं आपको पढ़ाई का दिखाता तो भाई तब बोर हो लगते आप लोग भी सोफिस बात हो उन चीज़ों को तो कोई देखता नहीं है छोटी छोटी ग्लिंपेस में वगैरह देते रहता था क्लास वगैरह की बट स्टिल uh, वो एक थोड़ी सी लिमिट है मैं क्लासरूम को ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ सो एकेडमिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड क्या है उनका क्या स्टेटस है स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है एकेडमिक्स में उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी क्लेट में क्या रैंक आई है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है कॉलेज में आपकी क्लैट रैंक का बिल्कुल भी असर नहीं होता आपकी कॉलेज परफॉर्मेंस पर सो so, मैंने काफ़ी लोगों को तो ऐसे भी देखा हुआ है जो जिनकी काफ़ी अच्छी रेंज थी क्लैट में बट यहाँ आके उनको रिपीट के एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं नहीं पढ़ते बन रहा है कॉलेज सर्वाइव नहीं हो रहा है बट अगर करंट स्टेटस की बात करते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं इवन लास्ट एक दो साल से तो ये ट्रेंड देखने को भी मिला है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है काफ़ी सारे क्लैट एक्सपीरियंस हैं जो कि केरला एन केरला एन एल यू असम एच पी इवन औरंगाबाद नागपुर को स्किप कर रहे हैं रांची को स्किप कर रहे हैं और डी को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे एडवांटेजेज हैं उसके भी कि सेंट्रल इंडिया में हाई कोर्ट है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सो ओवरऑल स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा, अच्छा है उनका स्टेटस भी काफ़ी अच्छा है अब मैं जज नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा अदरवाइज़ बेसिकली इस चीज़ को बताने के पीछे का कारण ये था कि भाई कोई भी प्लेस है कोई भी एन है कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो भाई साहब उसकी स्टूडेंट्स से ही मिल बनता है सो so, उनका क्या लेवल है उस चीज़ को बताना ज़रूरी है अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हाउ इज़ दी फैकल्टी एट डी सो ओवरऑल डी में काफ़ी अच्छी फैकल्टी है काफ़ी वेल well एक्सपीरियंस टीचर हैं ऑब्वियस सी बात है अगर आप नलसार एन से कंपेयर करेंगे सो वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे फैकल्टी को तो थो, थोड़ा सा गैप देखने को मिल सकता है बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ टीचर्स की या कुछ फैकल्टी मेम्बर्स की टीचिंग पैटेगोरी आपको पसंद ना आए सो उस वजह से आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार टीचर अच्छे नहीं है या फिर इंटरेस्टिंग क्लास नहीं हो रही है सो ये एक्सेप्शनल फीस टीचर्स के साथ भी हो सकता है बाकी अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे ही टीचर काफ़ी अच्छे हैं और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हो कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करेगा ये चीज़ भी अगर आपको किसी के पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आता है तो आप उनको बोल सकते हैं वाली वाईवाज वगैरह में टीचर ये चीज़ें पूछते हैं और एक सेशन एंड पे फॉर्म भी हमें दिया जाता है कि किस टीचर ने क्या क्या मतलब बेसिकली टीचर एवेजुकेशन फॉर्म टाइप का होता है वो कुछ तो उसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये चीज़ें कमी हमें महसूस हुई इस टीचर में फ़ैकल्टी वाले पॉइंट पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा ये डिसएडवानटेज भी हो सकता है एडवांटेज भी हो सकता है सो डी एन एल यू में कहना फैकल्टीज़ काफ़ी यंग हैं कुछ कुछ काफ़ी एल्डर टीचर्स भी हैं जैसे मैंने बताया काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर भी हैं दस दस पंद्रह पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स काफ़ी यंग भी हैं सो उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना यंग टीचर्स हैं तो थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग इंट्रेक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं और एट दी सेम टाइम वो यंग हैं तो उनको शायद हो सकता है उतना एक्सपीरियंस ना हो पढ़ाने का क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कॉलेज में जाते हो तो काफ़ी भाई साहब बूढ़े बूढ़े प्रोफेसर्स होंगे ऐसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके के प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हो आप आपसे मेरे हिसाब से तो यंग टीचर्स बेटर हैं और एल्डर टीचर्स की भी अपनी ख़ूबी होती है उनको पढ़ाने का तरीका होता है काफ़ी नॉलेज होता है काफ़ी एक्सपीरियंसड होते हैं वो आपको डिसाइड करना भी है मैंने अपनी करेंट सिचुएशन बता दी है अब हम बात कर लेते हैं गेस्ट लेक्चर्स की हाँ काफ़ी रेगुलरली डी में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं इवन रिस ईयर में मतलब लास्ट ईयर में तो एक पूरी सीरीज हुई थी गेस्ट लेक्चर्स की जिसमें कि हमने छः सात एडवोकेट्स को बुलाया हुआ था काफ़ी वेल एक्सपीरियंस रेप्यूटेड एडवोकेट्स थे उनके तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी डी के ऑफिशियल पेज पर डले यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हैं उसके अलावा भी फॉरन यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं हम उनको इन्वाइट करते रहते हैं इवन जबलपुर को तो ये एडवांटेज भी मिलता है कि जो हाई कोर्ट है एम का वो जबलपुर में इस्टेबलिश है सो so यहाँ से हमें हाई कोर्ट जजेस की कंटिन्यूस गाइडेंस मिलते रहती है उनकी विजिट्स होते रहती हैं एज अ गेस्ट इन्वाइट करते हैं हम उन्हें सारे इवेंट्स को जो होते हैं सो so, एक अच्छी खासी हमें उनसे एडवाइस सजेशन और गाइडेंस मिलती रहती है सो so, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि रेगुलरली गेस्ट लेक्चर्स होते रहते हैं डी में और जैसे कि मैंने बताया हाई कोर्ट जजेस की भी कंटिन्यूस गाइडेंस होती है सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रिसर्च कल्चर कैसा है यहाँ पे सो वी हैव थर्टीन रिसर्च सेंटर्स एट डी एन एल यू जिसमें कि काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं जैसे क्रिमिनल कार्ड आ गए सिविल का अलग है इंटरनेशनल ट्रेड पे अलग है इवन डीएनएलयू एन एल में काफ़ी यूनिक सेंटर भी है सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडिक स्टूडेंट्स एंड धर्मशास्त्र सो ये किसी कहीं पे भी नहीं है ऐसा सेंटर सिर्फ नागपुर में शायद एक सो रिसर्च कल्चर के करंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो so, पहले का मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग के एक दो तीन साल में कुछ भी नहीं था रिसर्च कल्चर के नाम पर ना के बराबर हो रहा था बट अभी काफ़ी अच्छा ट्रेंड स्टेबलिस हो गया रिसर्च कल्चर में भी स्टूडेंट्स काफ़ी आर्टिकल्स रिसर्च पेपर्स काफ़ी पब्लिकेशन हो रहे हैं इवन फर्स्ट बैच से एक दो सीनियर्यर्स दें एक नहीं दो सीनियर्स से उन्होंने एक प्रोफेसर के साथ कोलैब करके इवन एक मेडिकल लॉ के ऊपर पूरी बुक लिख दी so है तो आप इस चीज़ से सोच सकते हो कि अगर स्टूडेंट्स बुक लिख सकते हैं यहाँ पे तो रिसर्च कल्चर धीरे धीरे काफ़ी बेल्ट हो रहा है बट हाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना अच्छा भी हुआ नहीं है सारे लोग उतना रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं है कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बट uh, कुछ लोग अभी भी बहुत अवगत नहीं है रिसर्च से सो वैसा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कैंपस हाँ एन में एक अपनी एक अलग चीज़ होती है अट्रैक्शन की जो जिसको कहते हैं कैंपस प्राइवेट कॉलेज़ के काफ़ी अच्छे कैंपस होते हैं बट अगर आप एन में एडमिशन लेते हैं ना तो आप उस होप के साथ लेते हैं कि हमें एक अच्छा कैंपस देखने को मिलेगा बड़ा कैंपस होगा इस्पोर्ट ग्राउंड होंगे और कोर्ट हॉल होगा उनका और, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि एक बहुत बड़ा कैंपस होता है जिसमें कि काफ़ी मज़े कर सकते हैं हम सो अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं भी तो हमें थोड़ा सा हैवी हार्ट के साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि डी के पास अभी तक अपना परमानेंट कैंपस नहीं आया है और अभी जो है टेम्परेरी कैंपस हमें मिला हुआ है अलॉट हुआ हुआ है सो बी ट्रेनिंग सेंटर का एक पुराना हॉस्टल काइंड ऑफ कह सकते हैं वो हमें मिला हुआ है नया कैंपस हमारा बन रहा है किस कारण से नहीं बन पाया उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा बट हाँ अभी काम बहुत स्पीड से चल रहा है पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और होपफुली दो साल में हमें कैंपस मिल जाना चाहिए एटलीस्ट हॉस्टल तो बन ही जाएगा किसी भी कंडीशन में दो साल में और एक रीज़न ये भी है यार इतना टाइम लगने का कि डी का सबसे बड़ा कैंपस होने वाला है किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट का किसी भी एन का सो अराउंड वन एकड़ की लैंड अलाट तो हुई है जबलपुर एडवोक हैं जबलपुर एयरपोर्ट के पास सो so, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस बनने वाला है और काफ़ी अच्छी जगह पे हमारा कैंपस बन बन रहा है एकदम पूरा फॉरेस्ट के बीच में बन रहा है सो so, काफ़ी अच्छा इन्वामेंट वगैरह वहाँ पर एटमोसफेयर बहुत अच्छा मिलने वाला है अब हम बात करते हैं अभी करंट जो हमारा कैंपस वो कैसा है देखो क्लासरूम्स की अगर हम बात करते हैं तो so, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं और बेंचेस वगैरह ओके ओके हैं सारे क्लासरूम्स में बहुत अच्छी बेंचेस नहीं है ऑनस्टली स्पीकिंग कुछ क्लासरूम्स में बहुत अच्छी बेंचेस हैं कुछ में ठीक ठीक हैं और कुछ में थोड़ी सी गरी गुजरी हालत भी है मतलब कि यार समझ सकते हो ना आप थोड़ा सा अब आप बड़े हो जाते हो इतने कॉलेज में आ जाते तो आप पैर हाथ भी लंबे हो जाते हैं तो कई बार होता था तो हम बैठते नहीं तक तो, का इंजरेस्टेड लगता है सो तो ये सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है बाकी ओवरऑल ठीक ठीक है क्लास वगैरह भी सारे क्लास जो हैं प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं क्लास में और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लास में अब हम बात करते हैं भाई साहब लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भी भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन की बैकबोन की तरह कंसिडर की जाती है और हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी तो नहीं है बट हाँ काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है इवन अभी लाइब्रेरी जो है एक दूसरे हॉल में शिफ्ट हो गई है वहाँ पर अराउंड दो तीन हॉल हैं उसमें सो थोड़ा सा बड़ा है लाइब्रेरी स्टार्टिंग के डेज से तो काफ़ी बड़ी हो गई है बट हाँ अगर आप किसी वेल स्टेबल से बात कंपेयर करेंगे जिसके पास एक बहुत अच्छा अपना कैंपस है परमानेंट तो हाँ वहाँ से तो छोटी है सी बात है बट हाँ था, ठीक ठाक सी लाइब्रेरी है ग्लिम्स आपको मिल रही होंगी फोटोज में और लाइब्रेरी की अगर टाइमिंग की बात करते हैं हम तो ट्वेंटी फोर बाई सेवन तो अब ओपन नहीं होती है रात के बारह बजे आपको वो लाइब्रेरी से निकलना होता है बाहर बंद हो जाती है बारह बजे और मॉर्निंग में आई थिंक नौ बजे या आठ बजे ओपन हो जाती है मॉर्निंग का मुझे टाइम एक्जैक्टली पता नहीं है आठ या नौ बजे तो ओपन हो ही जाती है श्योरली तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं कैंटीन की पहले भाई साहब हमारे पास तीन कैंटीन थी कॉलेज में दो तो हमारे कॉलेज की खुद की थी और तीसरी एक कैंटीन और थी जो कि कॉलेज के अंदर ही थी बट वो बी की थी सो so, बट अभी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही कैंटीन बची हुई है काफ़ी अच्छी कैंटीन है और प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है उसका पता नहीं क्या रीज़न है दूसरी वाली जो कैंटीन जो हमारी गुद की थी वो बंद हो गई है उसमें काफ़ी चीप रेट पर सब कुछ मिलता था बट अभी फ़िलहाल एक कैंटीन है करेंट स्टेटस की बात करूँ आपसे तो एंड टाइमिंग की अगर तो हम बात करते हैं सोबाई ट्वेंटी फोर बाई सेवन कैंटीन ओपन नहीं रहती है सिर्फ रात के नौ या दस बजे तक ओपन रहती है एंड मॉर्निंग में ओपन हो जाती है सो डे डे में ही ओपन रहती है बस भाई साहब अब बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे लोग कि हॉस्टल्स कैसे हैं सो कॉलेज में चार हॉस्टल हैं जिसमें कि दो गर्ल्स हॉस्टल हैं एंड दो बॉयज़ हॉस्टल हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका इस नाम है हॉस्टल बन एंड उसको हम बेसिकली टाइप फोर हॉस्टल्स कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का इंफ्रा है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट काइंड ऑफ सिस्टम है और एक फ़्लैट के अंदर आई थिंक दो या तीन रूम है वहाँ का मुझे स्टेटस एक्चुअल में पता नहीं है कि वहाँ कितने के ऑक्यूपेंसी हैं कितने लोग रहते हैं एक रूम में अराउंड मैं, मैं सुनोगे दो या तीन लोग रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाकी ये फ़र्स्ट ईयर की गर्ल्स के लिए था अभी तक और ठीक था मैंने ऐसा र्यूमर सुन रखी है मैं उस हॉस्टल के अंदर गया नहीं हूँ सो वहाँ पे थोड़ा सा सुन रखा है कि उतनी ज़्यादा बहुत अच्छी कंडीशन उस हॉस्टल की नहीं है आई डोंट नो मैं क्योंकि आंखों से मैंने देखा नहीं तो मैं विश्वास नहीं कर सकता ये मैं तो मेरी री ही बता रहा हूँ एंड सेकंड हॉस्टल की अगर हम बात करते हैं जगदीश भवन यहाँ पे सीनियर गर्ल्स रहती है आ, मतलब सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर की गर्ल्स अभी तक रहती थी और एल की गर्ल्स भी यहीं पर रहती थी और कुछ कुछ फर्स्ट ईयर की गर्ल्स भी रहती थी सो तो यहाँ का अगर मैं हम बात करें तो यहाँ के जो रूम्स हैं ना यहाँ पे भी डबल एक्पेंसी है मतलब सिंगल रूम मिलेगा आपको इसमें कि आपको दो लोगों को रहना पड़ेगा सो कॉमन वॉश रूम्स होंगे वॉश रूम्स नहीं होंगे ऑलमोस्ट सारे ही हॉस्टल uh, में एक्सेप्ट कुछ रूम्स हैं जगदीश भवन में जहाँ पे सीनियर गर्ल्स रहती है वो वहाँ के कुछ रूम्स में ए भी लगा हुआ है एयर कंडीशन रूम है और वॉशरूम रूम भी अपनी जो पर्सनल है सो so, वो जो रूम्स है ना वो बहुत अच्छे हैं मैंने देखा हुआ है ये वाली गर्ल्स हॉस्टल का तो जगदीश वन में पूरा घूमा हुआ है अंदर से सो so, कुछ रूम वहाँ पर बहुत अच्छे हैं बट जो बाकी अदर रूम्स हैं वो एयर कंडीशन नहीं है आपको कूलर मिलता है डबल एक्पेंसी के साथ फ़ैन मिलता है और दैट सेटर उसके बाद हम हॉस्टल थ्री की अगर बात करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं भटनागर वन ये बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पर अभी तक जो है फर्स्ट से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं और यहाँ पे भी सिंगल सिंगल रूम्स हैं सिंगल सिंगल रूम्स का मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे भी कोई फ्लैट वाला सिस्टम नहीं है फ़्लैट वाला सिस्टम सिर्फ एक ही हॉस्टल में था जिसको मैंने बोला बोलो हुआ था हॉस्टल वन टाइप फोर सो यहाँ पे भी सेम वही है कि डबल ऑक्यूपेंसी वाला रहेगा एक रूम में दो लोगों को रहना पड़ेगा दो फैन होंगे आइग और कूलर होगा एक दैट सेट देन उसके बाद भाई साहब हॉस्टल फोर की अगर हम बात करते हैं रमन भवन ये इसमें अनोखा नाम है अपने आप में एक यहाँ पे हम रहते हैं और यहाँ पे अभी तक फोर्थ और फिफ्थ ईयर के सीनियर बॉयज़ रहते थे सबसे बेस्ट प्लेस जो है सबसे बेस्ट हॉस्टल आई थिंक मुझे तो यही लगता है क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है रूम बहुत बड़े हैं हल्के से जगदीश भवन जो गर्ल्स हॉस्टल है ना उसके रूम हल्के से छोटे हैं एंड भटनागर भवन जो उसका हल्के से छोटे बट रमन भवन के जो रूम्स हैं ना बहुत स्पेशियस हमारी आप जैसे ईवन आपको पीछे दिख रहा होगा कि तीन कवर्ड्स हैं एक दो और तीन तो ये तीन की कैपेसिटी वाले रूम हैं बट रहते यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं ईवन हमारे यहाँ दो फैन uh, है ऊपर एंड सामने जो स्कूलर है एयर कंडीशनर यहाँ पे एक भी रूम में नहीं है रमन भवन का सिर्फ एक ही है भी आठ के साथ हमें एक कहना पड़ता है एयर कंडीशन नहीं कूलर के सारे रहना पड़ता है एंड वन मोर थिंग हॉस्टल की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे टी, -टी रूम वगैरह और टेनिस कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी हैं हॉस्टल्स के अंदर अपने अपने सो so, टी टी रूम तो सारे ही हॉस्टल में सारे ही हॉस्टल में सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि हॉस्टल्स की मैथ कैसी है मैथ भी ठीक है ओके ओके एंड नॉन वेज और वेज दोनों ही बनता है मैं इसमें बट दोनों अलग अलग हॉस्टल में सर्व होता है जिस भी दिन अगर नॉन वेज बन रहा है तो वो हम जैसे बॉयज़ हॉस्टल में हमें जूनियर्स के हॉस्टल में जाना पड़ता है नॉन वेज खाने के लिए वेज खाने के लिए एंड जो नॉन वेज है मेरे हॉस्टल में जैसे सीनियर बॉयज़ हॉस्टल में सर्व होता है तो ये चीज़ रहती है थोड़ा सा हेक्टिक कई बार कि आपको दूसरे हॉस्टल में जाना पड़ता है लंच या डिनर करने के लिए अगर नॉन वेज या वेज होता है तो ऐसी कंडीशन में ताकि एक बाईर कैशन रहे थोड़ा सा किसी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे इतनी कोई खास दिक्कत होती नहीं वैसे नॉन वेज वेज से बट मैं खाता नहीं हूँ वेजिटेरियन हूँ प्योरली सो मैथ का ऐसा कुछ है मेन्यू काफ़ी अच्छा होता है जिसमें कि चार मील डिलीवर होती हैं और अभी तो पर डे का चार्ज अराउंड हूँ वन थर्टी फाइव रुपीज़ है सो वन थर्टी फाइव रुपीज़ में आपको चार डे चार मील डिलीवर होती हैं इन अ डे सो सबसे पहले ब्रेकफास्ट भाई साहब बहुत ही बेस्ट होता है ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट आप मत करो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट डेली ही ठीक है जिसमें कि इडली होता है डोसा होता है फॉर्म होता है साउथ इंडियन में सब कुछ होता है पराठा होता है कभी कभी पूड़ी होती है या उसके बाद छोले भटूरे होते हैं पोहा होता है जलेबी होता है आलू बड़ा होता है काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं ब्रेकफास्ट बेस्ट होता है चाय भी होती है कॉफ़ी भी होती है एंड फ्रूट्स में बनाना होता है समर्स के डेज में वाटर मेलन वगैरह होता है सो ब्रेकफास्ट तो भाई साहब बेस्ट है बिल्कुल बेस्ट बट इतने सुबह हम उठ नहीं पाते तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे सब में सी हो जाता है ब्रेकफास्ट देन उसके बाद लंच की बात करते हैं जो कि हमें कॉलेज के बाद मिलता है अराउंड टू थर्टी पर सो लंच भाई साहब ओके ओके होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है ओके ओके होता है देन उसके बाद फिर चार बजे होता है हमारा सफ़र इसमें भी ठीक ठीक चीज़ें मिलती हैं कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कभी ऐसा हल्का फुल्का सा सफ़र रख देते हैं लोग भी रख दी बट कुछ कुछ दिन समोसे बन जाते हैं कचौड़ी बन जाती है या पाव भाजी बन जाती है तो उस दिन सफ़र भी बहुत अच्छा होता है अब हम बात करते हैं भाई साहब लंच डिनर की डिनर भाई साहब पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑनेस्टी के साथ बोलूँगा कोई झूठ नहीं, नहीं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम लंच डिनर जो है घटिया ही होता है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ़ द टाइम घटिया होता है इवन मैं तो वेजिटेरियन हूँ भाई साहब तो जिस भी दिन अराउंड वीक में शायद दो या तीन दिन नॉन वेज बनता है तो दो या तीन दिन फिर पनीर बनता है रिपीटडली सो वन डे मतलब ब्रेक के साथ सो so, भाई साहब तो पनीर की ग्रेवी तो सेम ही होती है डेली सेम होती है तो so, मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँगा भाई डिनर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो कुछ कुछ दिनों में अच्छा भी होता है ऐसा नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम बेकार ही होता है और जो हमारे स्पेशल डिनर्स होते हैं उनमें तो भाई बेस्ट होता है बेस्ट मतलब बाहर मंथ एंड पे कभी कभी होता है बाहर कलेक्टिव मतलब बाहर मतलब कॉमन डिनर होता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है देन भाई साहब उसके बाद बात करते हैं हम कि ग्राउंड्स वगैरह कैसे हैं स्पोर्ट्स कल्चर कैसे हैं कल्चर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा है और इवन uh, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है कॉलेज की अदर इंस्टीट्यूशन में जब कॉम्पटिशन होता है वहाँ पर और ग्राउंडस uh, में हमारे पास uh, क्रिकेट ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड है बास्केटबॉल ग्राउंड है वॉलीबॉल ग्राउंड है टेनिस कोर्ट है देन उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे हॉस्टल में टी टी रूम्स भी हैं सो स्पोर्ट्स का काफ़ी कुछ है एंड ठीक ठीक है ओके okay, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हम स्पोर्ट्स में भी कल्चर अच्छा बिल्ड हो रहा है अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स मैन हैं आप तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं हाँ बिल्कुल जो बेसिक स्पोर्ट्स हैं वो तो हैं ही बट अगर आप एक्सेप्शनल कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे भाई तब तो मैं हॉकी खेलता था तो हॉकी यहाँ कोई खेलता भी नहीं ना ही ग्राउंड है सो so, हॉकी हॉकी वगैरह का तो कल्चर नहीं है एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं है कुछ भी बेसिक बेसिक्स है जब उसके बाद बात करते हैं भाई साहब तो हम जिम की जिम में भी काफ़ी इक्ुपमेंट्स हैं ऑलमोस्ट जो बेसिक नीड्स के हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही हैं अराउंड ट्वेंटी फाइव के जी का साइज तक सबसे बड़ा जो डम्बल होता है वो है तो मतलब आप बेसिक बेसिक एक्सरसाइज काफ़ी कर सकते हैं डम्बल की बात कर रहा हूँ और जो बारवेल वगैरह और जो भी होते हैं वो मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जिम किया नहीं है अपनी लाइफ में सिर्फ एक दो बारी जिम गया हुआ हूँ मैं करने के लिए ऐसे तो जिम में काफ़ी गया हूँ मैं यहाँ की जो है ठीक ठीक जिम है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट हाँ आराम से पंद्रह बीस लोग कर सकते हैं जिम सो कैंपस की हमने बात कर ली है अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स की सो so, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स कल्चर काफ़ी अच्छा है तो रेगुलरली स्पोर्ट्स इवेंट तो होते ही रहते हैं पता नहीं इंडियन आईवी को इतना प्यार है भाई डी पी एल डरमोसाज प्रीमियर लीग और फुटबॉल मैचेस काफ़ी रेगुलरली होते ही रहते हैं इवन जो डी एन यू में अदर जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि मूड कोट वगैरह वो भी होते रहते हैं ट्रायल एडवकेशी वगैरह एडी कंपटीशन वगैरह ईवन हम नेशनल लेवल के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जैसे कि एक एन एच का मूड कोड कराया हुआ था अभी लास्ट ईयर ए का एक इंटरनेशनल लेवल के इंडिया राउंड्स कराए हुए थे हमने सो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी काफ़ी होते रहते हैं अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उनको ग्रैप कर रहे हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को एंड ये तो मैंने आपको अपने कॉलेज के स्टेटस बता दिया कि हम लोग क्या क्या ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं उसके अलावा यहाँ के स्टूडेंट्स भी काफ़ी अदर इंस्टीट्यूशन में जा जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीत के आ रहे हैं वहाँ से अनफॉर्चुनेटली सो so, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है फिर भाई साहब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंटरनशिप सेल की कि कॉलेज का इंटर्नशिप सेल कैसा असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनस्टली स्पीकिंग स्टार्टिंग के एक दो या इवन तीन साल तक भाई ना के बराबर असिस्टेंस था इंटर्नशिप सेल जरूर है लेकिन उतना ज़्यादा कोई असिस्टेंस मिल नहीं पाता था बट एक डेढ़ साल से पिछले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बेटर कर रहे हैं पहले से और दे आर ट्राइंग दे आर बेस्ट जैसा भी हो रहा है उनसे वो कर रहे हैं एटलीस्ट एंड धीरे uh, धीरे मेरे को पता है एक डेढ़ साल और लगेंगे मैक्सिमम बहुत अच्छा अपने आप को स्टर्विस कर लेगा इंटर्नशिप सेल भी और इंटर्नशिप uh, अभी सबको तो वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं बट uh, जिसको कहीं भी नहीं मिलती उसको कहीं ना कहीं तो लगवा देते हैं ये जरूर है टॉप टीयर वन या में या टीयर टू ब्लॉक फॉर्म्स पर वो इंटर्नशिप अभी नहीं दिलवा पा रहे हैं देन उसके बाद हम बात करते हैं भाई साहब प्लेसमेंट्स की कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे हैं ये भाई साहब बहुत सारे लोगों ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉमेंट्स में टेक्स्ट करके कि प्लेसमेंट्स मिलते हैं कि नहीं डी एन एल यू क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट कॉर्पोरेट हाउसेस को टारगेट करते हैं कि हमें जब कॉर्पोरेट्स में ही सेटल होना है वहीं जाना है तो देखो अभी का करंट स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट एक बैच ग्रेजुएट हुआ है बी पे और उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहा है कॉलेज का कितना रोल होता है प्लेसमेंट दिलाने के लिए इसका मुझे बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है ऑनेस्टली क्योंकि कॉलेज की तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक जो फर्स्ट बैच था उसमें और जो एक आर कमेटी बनती है वो भी थोड़ा सा सक्सेस उतनी हो नहीं पाई फर्स्ट बैच की लेकिन फर्स्ट बैच से स्टिल बहुत सारे अच्छे लॉ लॉफस में बच्चे बच्चों ने पी वगैरह लिया है प्लेसमेंट्स लिया है इवन कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे लॉ लॉफम्स में प्लेसमेंट्स लिया है बट जिन जिनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाया उन्होंने कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में तो सेटअप हो गए हैं अराउंड पंद्रह से बीस लोगों की मैंने सुनी हुई है सर उम्र से कि ऑलमोस्ट जॉब लग गई है फर्स्ट बैच की अभी जस्ट एक ही महीना हुआ उनको ग्रेजुएट हुए उनकी मार्कशीट वगैरह अभी नहीं आई हुई सो करंट स्टेटस अभी का ये है कि जस्ट वन एक ही बैच ग्रेजुएट हुआ है देन उसके बाद सेकंड बैच जब ग्रेजुएट हो जाएगा ना तब एक्चुअल में प्लेसमेंट का ट्रेंड समझ आएगा कि डी एन ए से कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि जो मेरा बैच है दैट इज़ सेकेंड वो बहुत अच्छा करने वाला है प्लेसमेंट में मुझे थर्ड बैच का नहीं पता लेकिन इतना पता है फोर्थ बैच बहुत अच्छा करने वाला है क्योंकि फोर्थ बैच में जो स्टूडेंट्स हैं ना ऐसा आप सुनने को मिलता है कि फोर्थ ईयर काफ़ी अच्छा बैच का जो लास्ट ईयर में हम लोग फोर्थ ईयर में थे तो फैकल्टीज़ वगैरह काफ़ी तारीफ़ करते थे तो इतना मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होने वाले नेक्स्ट ईयर में और इवन आर जो कमेटी भी होती है वो पहले से फंक्शनल हो गई थी हमारे बैच की सो वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड टू गेट प्लेसमेंट्स वहाँ की अब देखते हैं सबकी एक अपनी अपनी जर्नी होती है बाकी लेकिन अगर आप अब एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में तो आई एम श्योर कि आपको तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा सो so, आप तो हेस्टेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से प्लेसमेंट्स के लिए बाकी अदर जो एवेन्यूज़ होते हैं लिटिगेशन वगैरह होती हैं या फिर जुडिशरी वगैरह होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए भी कॉलेज से थोड़ा सा असिस्टेंस तो मिलता है जैसे कि कोचिंग क्लासेस टाइंड ऑफ़ इवनिंग सिर्फ में चल रही थी जुडिशरी के लिए यू के लिए पी वग़ैरह के लिए बट वो उतना ज़्यादा सक्सेस हो नहीं पाई जो ख़ुद से पढ़ना चाहता है वो तो पढ़ लेता है बट वो कोचिंग के भरोसे आप मत रहे हैं ना खुद से पढ़ो तो बेटर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये करंट स्टेटस मैंने आपको बता दिया प्लेसमेंट्स का या जो भी अदर जॉब एवेन्यूज़ है उनका इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट बार एसोसिएशन की जिसको हम एस बी ए भी कहते हैं सो एस बी ए बेसिकली एक स्टूडेंट बॉडी टाइप की होती है स्टूडेंट का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी डिमांड या कोई भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो भी स्टूडेंट्स की हैं सो so, उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके you know, और बेसिकली स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज के बीच में एक ब्रिज का, का काम करते हैं सो so, इसमें चार पोस्ट होती हैं एक तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी और एक ट्रेजर सो so इसके इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में से ही कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है इलेक्ट होकर और बेसिकली ऐसा कुछ होता है एस बी का सीन थोड़ी सी पॉलिटिक्स वगैरह भी चलती है इसमें देन उसके बाद भाई साहब बात करते हैं फॉर विच वी आर वेरी फेमस पार्टीज़ आपने बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि डी में भाई साहब रेगुलरली पार्टीज़ होते रहती हैं हाँ तो लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी पार्टीज़ के ना ज़्यादा हो रही थी तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि स्टार्टिंग के तीन साल में भाई कॉलेज में एक भी पार्टी नहीं हुई नॉट इवन अ सिंगल पार्टी मतलब हम लोग भाई सब होली भी खेलते थे ना तो पैसे खुद से कलेक्ट करके थोड़ा बहुत कहीं से दे दिया इन लोगों ने फंड कॉलेज वालों ने तो दे दिया नहीं तो हम खुद से पैसे कलेक्ट करके सब कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं होली का तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल शेयर किया और भी सारे फेस्टिवल्स होते हैं ओकेजनस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के तीन साल में चार साल में चार साल तो नहीं तीन साल में बिल्कुल भी असिस्टेंस नहीं था कॉलेज के स्टार्टिंग में स्पेसिफिकली ढाई साल में एक्चुअली हुआ भी ये था कि कोई अब स्टार्टिंग में स्टैब्लिश हुआ था तो डेढ़ साल तक तो ओपन रहा उतने में तो अब चीज़ें सेटल करने में ही लग गई और उसके बाद सडनली लॉकडाउन लग गया सो so, ये रीज़न भी हो सकता है जैसे ही फिर कॉलेज भी ओपन हुआ लॉकडाउन के बाद सो so, थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई पार्टी करते हैं सो उस वजह से पार्टी हो गई क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग के तीन साल में कुछ किया नहीं था मे बी दैट वॉज द रीज़न बाक़ी हाँ पार्टीज़ डी एन एल यू में होती थी अब उतनी जाना नहीं होती और हम लोग भी खुद बोर हो गए थोड़ा सा पढ़ाई सेंट्रिक हो गए हैं उन्होंने कहा चलो पढ़ाई पर फोकस भी किया जाए लेकिन हाँ रेगुलरली डी एन एल में पार्टीज होती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि मंथ एंड पे एक कॉमन डिनर टाइप का होता है तो गैदरिंग टाइप की होते रहती है कोई भी इवेंट होता है कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट हुआ तो उसके लास्ट डे पे हो जाती है या फिर जो कल्चर इवेंट हुए उनके लास्ट डे पे हो जाती है या फिर हमारे यहाँ पे कॉलेज में गणपति जी भी रखते हैं तो उसके लास्ट डे पे हो जाती है या फिर नवरात्र चलते हैं तो वो उसके लास्ट डे पे हो जाती है या उसमें एक दो दिन बीच में कभी कभी हो जाती है सो काइंड ऑफ इस तरीके की पार्टीज़ होते रहती हैं हाँ, हाँ आपने ब्लॉग्स में तो देखा ही है किस तरीके की पार्टी होती है मैं उस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा अगर आपको देखना डीन में पार्टी से होती है तो मेरे ब्लॉग जाके देख लीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाई द फेयरवेल एंड फ्रेशर्स फ्रेशर्स के लिए तो भाई साहब मेरे को पता ही कि आप में तो बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड रहते क्योंकि जब हमने अपने जूनियर्स को फ्रेश दिया था ना तो हमने पूरा एक वीक में दिया था और वीक में हम लोगों ने दिया था तो मैं उसमें था इन्वॉल्व तो मैं तो व्लॉग्स भी बनाए हुए थे तो, तो इंटरनेट पर वो इतना वायरल हुआ इतना वायरल हुआ तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया डी वी भाई सर यहाँ तो काफ़ी तगड़ी तगड़ी पार्टीज़ होती हैं काफ़ी अच्छा फ्रेशर्स होता है और अभी हमने फेयरवेल भी दिया था अपने सीनियर्स को तो उसको थोड़ा सा हमने रेस्ट्रिक्ट करके रखा था कि अब हाई जब पार्टी हो गई बस हमने दिन उसके बाद तीन दिन का इवेंट करके ख़त्म किया था उसे सो so, ऐसा कुछ पार्टी का सीन है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफ़ी लोग मुझे कॉमेंट करते थे कि आप इस तरीके की वीडियो बना दो, दो मैंने बना दिए एंड अगर आपका अभी भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि डी एन एन यू की क्या कंडीशन है बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी नया एन एन यू में आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय